हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट एकेडमी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज की जो अपनी क्लास है, आज हम कवर करने वाले हैं अपना। चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि लास्ट क्लास में हमने सारे कन्वर्जन देख लिए थे। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या किसी भी डेसिमल से किसी और बेस में कन्वर्ट करना हो, तो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, और वो है कि किसी भी नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, डिजिटल सर्किट में बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हम कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते डिजिटल सर्किट में। अगर आपको सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न करना है तो उसका मेथड अलग है, वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म से हो जाएगा। लेकिन बेसिकली डिजिटल सर्किट में सिर्फ दो ही ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करना है किसी भी नंबर सिस्टम में, और नॉर्मली कैसे करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट से कैसे करेंगे, वो दोनों चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है कि किसी भी नंबर सिस्टम में हम एडिशन कैसे करेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन के लिए अलग मेथड है। ठीक है, तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर हमें ये करना है तो कैसे होगा वो देखते हैं। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है यार, हमें कुछ भी नहीं पता बेटा किसी भी नंबर सिस्टम में कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, हमें नहीं पता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम हेल्प ले लेते हैं अपनी डेसिमल नंबर सिस्टम से, हेल्प ले लेते हैं। ठीक है ना, कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे होता है, क्या होता है, तो वहाँ से हम हेल्प लेंगे बेटा। तो एक बात बताओ मुझे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं बेटा? सर, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, यही डिजिट्स हैं। इसके अलावा कोई और डिजिट्स तो नहीं है, है ना? इसके अलावा कोई और डिजिट्स तो नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास यही एक डिजिट है, इसके अलावा कोई और डिजिट हमारे पास नहीं होती है। तो किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपको एडिशन करना है तो कैसे होगा देखना। चलो मैं एक डेसिमल नंबर सिस्टम में हम एक एडिशन करते हैं, 7, 9, 4 प्लस 6, 4, 9। ठीक है, 6, 4, 9, ये हमें एडिशन करना है बेटा। आंसर आप सबका आ चुका होगा, क्या आंसर होगा देखो, आंसर कैसे आएगा ध्यान से देखना बेटा। चलो एडिशन कहाँ से करेंगे? एलएसबी से। ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो एलएसबी से एमएसबी हम जाते हैं। तो एलएसबी से जब हम करेंगे 4 और 9, कितना होगा बेटा? 13। क्या 13 इस नंबर सिस्टम की रेंज में है क्या? क्या जो एडिशन आपने किया एलएसबी का 9 प्लस 4 13, क्या 13 इसके डेसिमल नंबर सिस्टम के रेंज में है? नहीं सर, रेंज में नहीं है। तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। कैसे लिखना है? जो भी एडिशन आपका आया है जो रेंज के बाहर है, उस नंबर को आप डिवाइड कर दो जो नंबर सिस्टम का बेस है। ध्यान से देखना, अगर आपका कोई भी ऑपरेशन का, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, किसी ऑपरेशन का रिजल्ट अगर उस नंबर सिस्टम के रेंज के बाहर जा रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपके किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट अगर उस नंबर सिस्टम की रेंज के बाहर जा रहा है, तो उस जो भी एडिशन, जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट आया है, उसको उसके बेस से डिवाइड कर दो। तो 10 बन जा 1, रिमाइंडर कितना है? 3 है। तो ये आएगा उसका नंबर, ये आएगा, ऐसे लिखना है, 1 3, ऐसे आएगा बेटा। कैसे एरो बनाया मैंने, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 आएगा, कैरी ऊपर 1। ठीक है, आगे देखना, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, क्या 14 रेंज में? नहीं सर, 14 रेंज में नहीं है। तो इसे डिवाइड कर दो किससे? जो नंबर सिस्टम का बेस है बेटा। तो 10 से डिवाइड किया, 10 बन जा 1, रिमाइंडर कितना? 4। कैसे लिखूंगा मैं? ऐसे लिखूंगा। ठीक है, क्या आएगा रिजल्ट? ये रिजल्ट आएगा। तो 4 यहाँ आ गया, कैरी 1 ऊपर। 7 प्लस 8 8 6 14, 14 फिर से रेंज के बाहर है बेटा। तो फिर से आपने डिवाइड किया, क्या रिजल्ट आ गया? तो ये आंसर आपका आया। तो डेसिमल में ऐसे होता है आपका एडिशन। तो अगर डेसिमल में ऐसे एडिशन हो रहा है, तो सारे नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। देखें, ट्राई करें, आ जाओ देखें। सबसे पहले बाइनरी में देखते हैं, बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी में क्या होगा देखते हैं। मेरे पास दो डिजिट्स हैं, 1011 प्लस, इनको ऐड करना है 1111 से। ठीक है,
इनको ऐड करना है, सिंपल सा ऑपरेशन ऐड करना है। बाइनरी में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं बेटा? बाइनरी में हमारे पास दो ही डिजिट्स हैं। बाइनरी का बेस कितना है? 2 है। इसमें हमारे पास दो ही डिजिट्स हैं, 0 और 1, और बेस कितना होता है? 2। अब देखो जाए, 1 + 1 कितना होता है? 2। क्या 2 इस रेंज के अंदर है? क्या 2 इस रेंज के अंदर है? नहीं सर, रेंज में नहीं है। तो भैया जो रेंज में नहीं है उसको, जो भी रिजल्ट आया है उसको उसके बेस से डिवाइड कर दो। जो भी बेस है, 2 × 1 = 1, रिमाइंडर कितना? 0। तो नंबर कैसे लिखेंगे? तो इसका जो एडिशन आएगा ना, 1 1 का एडिशन, वो 0 यहाँ आएगा, कैरी 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैरी 1 ऊपर चला जाएगा। अब देखो जरा, 1 + 1 + 1 = 3, 3 रेंज में है? नहीं सर, 3 रेंज में नहीं है। तो डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे? जो नंबर सिस्टम का बेस है, 2 1 = 1, रिमाइंडर 1, तो ये आपका 1 1 आ गया। तो 1 यहाँ आ गया फिर से, और कैरी ऊपर 1 चला गया। 1 + 0 + 1 = 2, 2 2 2, ये रहा 2, 0, कैरी 1, 1 1 1 3, 3 को कैसे लिखेंगे हम? तो इसका जो आपका एडिशन का आंसर आएगा वो ये होने वाला है, 1 1 0 1 0। क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? अगर किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट आपका अगर नंबर सिस्टम की रेंज के बाहर जाता है, तो वो जो रिजल्ट आया उसे उसके बेस से डिवाइड कर दो और इस फॉर्मेट में लिख देना। ऐसे ऐसे लिखना है आपको, ऐसे आपको लिखना है बेटा। समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, बेस 5 में ले लूँ। बेस 5 में कौन कौन से नंबर सिस्टम है, कौन कौन सी डिजिट्स हैं बेटा बेस 5 में? सर हमारे पास 0 1 2 3 4। तो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, पहला नंबर 3 2 4, प्लस इनको ऐड करना है 4 2 3। ठीक है, इनको ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं बेटा, 4 + 3 = 7, 7 यहाँ पर है? नहीं है। तो जो रिजल्ट आ रहा है उसे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे बेटा? जो नंबर सिस्टम का बेस है, 5 1 = 5, रिमाइंडर कितना? 2। तो कैसे लिखेंगे? 1 2। तो 4 + 3 का जो एडिशन होता है बेस 5 में वो ये होता है बेटा, 4 और 3 का बेस 5 में जो एडिशन होता है वो ये होता है। तो 2 यहाँ आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 2 + 2 = 4 + 1 = 5, 5 है क्या यहाँ पर? नहीं सर, 5 नहीं है। तो डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे? जो नंबर सिस्टम का बेस है, तो 5 1 = 5, रिमाइंडर 0। कैसे लिखेंगे? तो जो आपका 5 होता है बेस 5 में वो कितना होता है? 1 0 होता है। बेस 5 में कैसे लिखते हैं उसे? 1 0। तो 0 यहाँ आ जाएगा, कैरी 1 ऊपर। ठीक है, 3 + 1 = 4, 4 + 4 = 8, 8 है क्या यहाँ पर? नहीं है सर। फिर से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे? नंबर सिस्टम के बेस से। तो 5 1 = 5, रिमाइंडर कितना? तो आपका जो रिजल्ट आएगा इन दो नंबर का बेस 5 में वो कितना आएगा? 1 3 0 2 आने वाला। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? जो भी बेस लेना है आपको, कोई भी नंबर सिस्टम लेना, अगर किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट अगर आपके नंबर सिस्टम के रेंज के बाहर चला जाए, तो आपको क्या करना है? उस रिजल्ट को डिवाइड कर देना है उस नंबर सिस्टम के बेस से। और कैसे लिख दे रहा है? मैंने आपको एरो बना के दिखा दिया। और करें, आ जाओ एक और देखो, हेक्साडेसिमल में देखें, एक हेक्साडेसिमल में देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल में देख लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कौन कौन सी डिजिट्स हैं पहले ये बताओ मुझे आप। 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अच्छा बेटा इसमें एक चीज़ याद रखना कि 9 के बाद 10 का मतलब हेक्साडेसिमल में ए होता है, 11 का मतलब हेक्साडेसिमल में बी होता है, 12 का मतलब सी होता है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, 10 का मतलब ए, 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी, 13 का मतलब डी, 14 का मतलब ई, 15 का मतलब एफ। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 2 नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ ए डी डी प्लस डी ए डी, इनको ऐड करना है, हेक्साडेसिमल में ऐड करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल बेटा डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? 13 13 + 13 = 26। क्या 26 है इस रेंज में? नहीं है सर, 26 नहीं है रेंज में। तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? हेक्साडेसिमल के बेस से। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16। तो 16 1 = 16, रिमाइंडर कितना? 10। लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को मतलब ए, तो ये आएगा आपका 1A। तो इसका जो डी प्लस डी का रिजल्ट हेक्साडेसिमल में होता है 1A। ठीक है, पक्का? चलिए
डी का मतलब 13 प्लस 1 14, 14 प्लस ए का मतलब 10, 24, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 10 24, 24 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे आप, इसके बेस से 16 बन जाए, 16 रिमाइंडर कितना 8, तो नंबर कैसे लिखोगे 18, तो 8 यहाँ आ गया, कैरी 1 ऊपर, ए का मतलब 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 13 24, फिर से 24, क्या लिखोगे आप, तो हेक्साडेसिमल में इनका रिजल्ट आ जाएगा 188A। क्या पॉइंट क्लियर है सबको, क्या क्लियर है सबको, एक मल्टीप्लीकेशन भी कर लें, एक मल्टीप्लीकेशन भी कर लें, चलिए एक मल्टीप्लीकेशन का भी देखते हैं आज, सेम ऑफ सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, बेस सिक्स में हम एक मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बेस सिक्स में पहले बताओ कौन कौन सी डिजिट्स है बेस सिक्स में, सर जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, चलिए तो मैंने लिखा 53 बेस सिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है 24 से, एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं कर दूंगा, पहले आप लोग ट्राई करो कितना आएगा आंसर, बेस सिक्स में मल्टीप्लीकेशन करना है, कॉन्सेप्ट वही है, अगर किसी ऑपरेशन का रिजल्ट उस नंबर सिस्टम के रेंज के बाहर जा रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, उस रिजल्ट को डिवाइड कर देना उस नंबर सिस्टम के बेस से, खत्म, सिंपल सा। करें, हो गया होगा सबका, देखिए ट्राई करें आज, तो पहले देखो 4, 3 या 12, क्या 12 रेंज के अंदर है बेस सिक्स के, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, तो डिवाइड कर दो किससे, 6 से, 6, 2 या 12, रिमाइंडर कितना 0, कैसे लिखेंगे 20, तो 20 का 0 यहाँ 2 ऊपर चला गया, ठीक, 4, 5 या 20 प्लस 2 22 रेंज में है, नहीं है सर 22 रेंज में नहीं है भैया, डिवाइड कर दो किससे डिवाइड करेंगे 6 से, 6, 3 या 18, रिमाइंडर कितना 4 है ना, नंबर कैसे लिखेंगे 3, 4, तो 3, 4 का 4 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम यहाँ क्रॉस लगाते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2, 3 या 6, 6 है रेंज में, 6 है बेस 6 में, नहीं है सर, डिवाइड करो किससे बेस से, क्या आएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ, कैरी 1 ऊपर आ गया, 2, 5 या 10 प्लस 1 11, 11 है रेंज में, नहीं है सर, डिवाइड कर दो, 6, 1 या 6, रिमाइंडर कितना 5, क्या आएगा 15, तो 15 का 5 ये लिख दिया, इसके बाद क्या करते हैं भैया, एडिशन करते हैं, 0 बेस 6 में है, बिल्कुल है, 4 प्लस 0 4, 4 रेंज में है, हाँ सर है, 5 प्लस 3 8 रेंज में है क्या बेटा, बेस 6 का नहीं है ना, किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट अगर बेस से रेंज के बाहर चला जाए तो डिवाइड कर दो, तो 1, 2, 2 यहाँ आ गया, कैरी 1 यहाँ, 1 प्लस 1 2, 2 होता है, बिल्कुल होता है, तो बेस 6 में ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन, बताओ है अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर सिस्टम आप ऐसे कर सकते हो बेटा, अगर किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट उस नंबर सिस्टम के रेंज के बाहर चला जाए डिवाइड कर दो, अपने आप वो रेंज के अंदर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में कुछ चीज़ें अलग है बेटा, सब्ट्रैक्शन में कुछ चीज़ें अलग है, कैसे हैं देखो, अगर हमें सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता नंबर सिस्टम में कैसे होगा, हमें तो बस डेसिमल का पता है, तो डेसिमल का पता है तो भैया वहीं से हिंट ले लेंगे, एक अपन वहीं से एक हिंट ले लेते हैं, चलो दो नंबर को माइनस करते हैं, ठीक, मैंने नंबर लिया 97 माइनस 48, ठीक है डेसिमल में चल रहा है, ठीक, चलो माइनस करते हैं बेटा, लोअर बिट में से हायर बिट माइनस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है सर, बिल्कुल नहीं होगी, तो क्या करेगा ये बोरो लेगा, किससे बोरो लेगा, अपनी नेबर बिट से, ध्यान से सुनना, ये वाली जो बिट है 7 लोअर बिट है, 8 हायर बिट है, तो लोअर में से हायर बिट माइनस नहीं होगी, तो ये जो 7 है ये अपनी नेबर बिट से बोरो लेगा, बोरो लिया, बोरो कितना जाएगा बेटा, जो भी नंबर सिस्टम का बेस है, ध्यान से सुनना, बोरो कितना जाएगा, जब भी कोई लोअर बिट को माइनस करना हो हायर बिट से, तो वो लोअर बिट अपनी नेबर बिट से बोरो लेगी, बोरो कितना जाएगा, जो भी नंबर सिस्टम का बेस है, ठीक है, और जो बोरो देगा वो अपने आप को 1 से रिड्यूस कर लेगा, जो बोरो देगा वो अपने आप को 1 से रिड्यूस कर लेगा, एक बोरो दे दिया ना तो 1 से रिड्यूस कर लिया, 9 में से माइनस 1 8 आ गया, अब ये जो बिट है वो कितनी हो गई, बोरो कितने आ गए 10 और बिट कितनी है 7, तो 10 प्लस 7 17 हो गया आपका, अब ये बिट हो गई 17, 17 माइनस 8 9 आएगा, 17 माइनस 8 कितना आएगा 9, और 8 माइनस 4 ये आपका आंसर आ गया, हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्या है सब्ट्रैक्शन का,
जो अगर लोअर बिट को माइनस करना है हायर बिट से, तो लोअर बिट बोरो लेगी अपनी नेबर बिट से, कितनी बार हो जाएगी सर, जो नंबर सिस्टम का बेस होगा, और जो बोरो देगा, जो बिट बोरो देगा वो अपने आप को एक से रिड्यूस कर लेगा। आ जाओ बाइनरी में देख लें, बाइनरी में देख लें, आ जाओ। मैंने लिखा, देख ध्यान से देखना बेटा, ये लिखा मैंने दो नंबर, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि बोरो लेने में दिक्कत नहीं आएगी। माइनस देखो रिजल्ट में आपको पहले ही बता देता हूं, ये लिखा है 8 बाइनरी में, ये लिखा है 5, 8 माइनस 5 कितना रिजल्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए। 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ये आंसर आना चाहिए हमारा। चलिए करके देख लेते हैं, आ जाओ बेटा बाइनरी में ना, क्या 0 में से 1 माइनस होगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो ये बेचारा ये वाली बिट अपनी नेबर बिट से लेगा बोरो, लेकिन नेबर बिट तो ऑलरेडी 0 है, वो किसको, वो तो बोरो दे नहीं पाएगी, ठीक है। उसके बगल वाली तो ये भी 0 है, ये भी बोरो नहीं देखती, तो ये आप ये वाली बिट देगी बोरो, लेकिन ये वाली जो बिट है ये इसको बोरो नहीं दे पाएगी, ये किसको बोरो देगी, अपनी नेबर बिट को। इसने अपनी नेबर बिट को बोरो दिया, बोरो कितना जाएगा, जो नंबर सिस्टम का बेस है, और इसने बोरो दिया तो ये अपने आप को एक से रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। अब ये वाली बिट इसको बोरो देगी, बिल्कुल देगा, बिल्कुल सही है, बोरो दे दिया, बोरो कितना जाएगा, नंबर सिस्टम का बेस है, और इसने बोरो दिया था तो ये अपने आप को एक से रिड्यूस कर लेगा, तो अब ये बिट कितनी हो गई है, 1 हो गई, ठीक है। अब इसने बोरो दिया उसको, ये बोरो आ गया, और ये अपने आप को एक 2 था, 2 से रिड्यूस करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिट हो गई कितनी, 2+0 2 माइनस 1 1, ये बिट 1 हो गई थी बेटा 1-0 1, ये बिट 1 हो गई थी बेटा 1-1 0, ये वाली बिट 0 हो गई थी 0-0, आंसर आ गया आपका ये। क्या यही आंसर लिखा है, हाँ सर बिल्कुल सही। तो अगर सब्ट्रैक्शन आपको करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अगर लोअर बिट को हायर बिट से अगर माइनस करना है तो बोरो ले लो, बोरो कौन देगा, नेबर बिट, कितनी बोरो देगा, जो नंबर सिस्टम का बेस है, और जो बोरो देगा वो अपने आप को एक से रिड्यूस कर लेगा, किसी भी नंबर सिस्टम में लगा दो आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहाँ तक खत्म करते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।